ओके पार्ट सी 2.197 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डेसिमल हटा के, 1, 2, 3 थ्री डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो नीचे भी आपको 3 ज़ीरोस लेने हैं, तो इस तरीके से हम इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले 2197 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद 1000 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 2197 देखिए, अगर आपको याद है इनके क्यूब्स कि ये किसके क्यूब्स हैं, तो फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इनको सॉल्व करना, राइट। तो ये जो है 2197, ये 13 का क्यूब रूट है, राइट। उसके बाद 2 से 500, 250, 125, 5, देन अगेन विद 5 एंड 5 बन जा 5। चलिए इसके इसका क्यूब रूट लिख लेते हैं, 2197 होल अपॉन 1000। तो ये क्यूब रूट है 13 × 13 × 13, राइट, 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5, राइट। याद देख रहे हैं ग्रुपिंग बन रही है सबकी, इसमें से 13, राइट, 2 × 5 मीन्स 13/10, दैट इज 1.3, राइट। नीचे एक जीरो, मैंने जीरो हटा के एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये है 2.197 का क्यूब रूट, राइट, 1.3। इसी तरीके से हम कुछ इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट बता देंगे, तो दिस इज 729 एंड दिस इज होल अपॉन 1000। 729 का फाइंड आउट करिए, 1000 का फाइंड आउट करिए, 1000 का आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, राइट, 1000 का हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, 729 का फाइंड आउट करते हैं। 729 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, 3 से 3 2 6 3 4 12, एंड 3 8 24, 3 1 3 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, राइट। तो हमने ये 729 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिया, 1000 का हमारे पास ये था, अब चाहे तो 1000 का दोबारा से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दिस इज 500 250। देखिए बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस होगी, देखिए मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, राइट। यहाँ पर हो गया 0.729, जिसको कि हमने लिखा था 729 अपॉन 1000 के फॉर्म में, राइट। यहाँ से हमें काम करते हैं, माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं और 729 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 3 × 2 एंड 3 × 5, राइट। ग्रुपिंग सबकी बन रही है, ग्रुपिंग से बाहर निकाल लेते हैं, 2, 3 आपको बाहर निकालनी है, 3 × 3 एंड 2 × 5, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 10 एंड दिस इज -0.9। तो देखेंगे आप, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये निकालना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इतना आप लोगों को इजी लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो।